हे दोस्तों नमस्ते। आप कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल में लकी पैचर है जो एप्लीकेशन, उसको कैसे आप सभी ऐप्स में, मतलब कि बिना मॉडिफाइड के बार 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 आप मॉडिफाइड करते हो, जिस गेम को हैक करना होता है बिना मॉडिफाइड के उसे हर गेम में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी गेम में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए। तो उसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, तो मैं उस मेथड को आपसे नहीं बताऊंगा। उसका लिंक हाँ मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि आप कैसे रूट एक्सेस कर सकते हो। तो देखो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, पहले कि मेरा डिवाइस रूटेड है, रूट चेकर से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि मेरा डिवाइस रूटेड है कि नहीं। मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है और ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन रूट एक्सेस इज़ प्रॉपरली इंस्टॉलेड ऑन योर डिवाइस। तो इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने लकी पेचर एप्लीकेशन में जाना है। ठीक है, कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जहाँ पे आपको ये दिख रहा है टूल बॉक्स, नीचे की साइड में टूल बॉक्स, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये देखिए दो ऑप्शन देखेंगे, टेस्ट मोड टू गूगल प्ले स्टोर, तो आपको इस पर नहीं क्लिक करना, आपको नीचे वाले में क्लिक करना है। इंस्टॉल मोड टू गूगल प्ले स्टोर, आपको क्लिक कर देना है इस पर। तो दोस्तों इसमें आपको जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर क्लिक करके आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों फिलहाल लेटेस्ट वर्जन तो यही है, 9.2.11 एंड्रॉयड 4.1 प्लस एंड ऑफ। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने ये जो इंस्टॉल गूगल प्ले एज यूजर ऐप, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो ये थोड़ी लोडिंग लेगा, ये 14 MB 516 MB का डाउनलोड कर रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हो 14,516 MB का डाउनलोड हो रहा है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूंगा कि इससे दोस्तों अगर आप इस गूगल प्ले स्टोर के वर्जन मोड को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको किसी भी गेम को मॉडिफाइड नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे उस गेम को ओपन करना है और आप सीधे जब कॉइन बार में जाओगे और क्लिक करके वहाँ पे जब हैक करोगे उसे, तो लकी पैचर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा और आप उसे हैक कर सकते हो। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको ये मोड नहीं चाहिए तो आपको ये जो नीचे साइड दिख रहे हैं ओरिजिनल गूगल प्ले, इस पर क्लिक करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना, तो आप ओरिजिनल गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा आपको, जिसमें आपका लकी पैचर वर्क नहीं करेगा और आपको फिर से गेम को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये थोड़ी देर में पूरा होने वाला है, तब तक मैं अपनी वीडियो कर रहा हूँ पॉज। दोस्तों ये फुल डाउनलोड हो गया और ये अपने आप ही फ्रीज वेट, मतलब ये अपने आप ही लोडिंग करने लगा है। आप देख सकते हो कि इसमें लोडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये आपके सामने ऑप्शन आ गया गूगल प्ले स्टोर, डू यू रियली वांट टू इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर, तो आपको यस कर देना है। जब आप यस कर दोगे तो आपके सामने फ्रीज वेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए आपसे ये पूछेगा रूट आपका एक्सेस होना चाहिए जब आप इसे इंस्टॉल करोगे और आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और फिर आपको अलाउ कर देना है। जब आप अलाउ कर दोगे तो ये फिर से लोडिंग लेगा। ये लोडिंग ले रहा है, आप देख सकते हो कि जैसे कि ये लोडिंग ले रहा है, प्लीज वेट बोल रहा है। फिर देखिए अलाउ गूगल टू वेरीफाई सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स व्हाट हैपेंड टू, आपको एक्सेप्ट कर देना है। ये जो आपसे अभी इसने पूछा है ये आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेक करने के लिए बोला है, इसलिए आपको इसे एक्सेप्ट कर देना है। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो फिर गूगल आपकी सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर नज़र नहीं रख पाएगा, मतलब आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी अपग्रेड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फिर से लोडिंग ले रहा है, लोडिंग 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 लोडिंग।
तो इसके बहुत फायदे हैं यार रूट एक्सेस करने के, लेकिन नुकसान भी बहुत है। दोस्तों आप देख सकते हो कि इसने दोबारा से आपको पूछा है, तो आपको अलाउ कर देना है। और ये देखिए, ये आपके सामने लेके आ जाएगा, फिनिश्ड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। अगर आपको दोस्तों इस मोड को, गूगल प्ले मोड को अनइंस्टॉल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वापस टूल बॉक्स में आना है, फिर से आपको उसी में जाना है, इंस्टॉल मोड गूगल प्ले स्टोर। इसके बाद में जो आपको ये नीचे सारे ओरिजिनल वाले दिख रहे हैं, जो ओरिजिनल आपका दिख रहा है लेटेस्ट वर्जन, आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है बस। तो आपका वही प्ले स्टोर आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपको एक बात बता दूँ, जो आपने इसमें मोड इंस्टॉल किया गूगल प्ले स्टोर का, ये अपग्रेड नहीं होगा। अगर इसका अपग्रेड वर्जन आता है, तो आपको दोबारा से रूट एक्सेस करके, लकी पहचान में जाके रूट एक्सेस करके इसे दोबारा से इसका लेटेस्ट वर्जन अगर आपकी इच्छा है तो इंस्टॉल कर सकते हो। मैं तो फ़िलहाल नहीं करता, क्योंकि मुझे इसी में सब कुछ बेस्ट मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अब एक गेम में दिखा रहा हूँ। तो मैं गेम डाउनलोड करने वाला हूँ छोटी सी प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर ये रहा, मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ। छोटी गेम कौन सी हो सकती है, छोटी सी कोई गेम देख सकते हो। ये आपसे शुरुआत से पूछेगा, तो आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो आप एक्सेप्ट कर दोगे तो आपके सामने वो ओपन हो जाएगी। छोटी गेम कोई है, दोस्तों कौन सी छोटी गेम है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं इसी को इंस्टॉल किए ले रहा हूँ, लीग ऑफ स्टिक मैन ऐप परचेज है। हाँ है, नहीं इसको नहीं कर रहा, ये बेकार है। ये किए ले रहा हूँ, ये छोटी सी गेम है और इसमें आप परचेज भी। अब आप इसे इंस्टॉल कर लेना, मतलब कि मैं इंस्टॉल किए ले रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी देख सकते हो आपकी डाउनलोड हो रही है। दोस्तों मैं अपने वीडियो पॉज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपके सामने ये करूँगा, नहीं तो आपका होगी फेक वीडियो हो, इसलिए मैं आपके सामने ही करूँगा। तो जब तक ये हो रहा है डाउनलोड, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज किए दे रहा हूँ। ये पूरा फुल डाउनलोड हो गया है और ये इंस्टॉल होने वाला, और ये इंस्टॉल होने लगी है। तो इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं देख रहे हैं, देख सकते हो आपकी ये इंस्टॉल हो गई, कितनी फास्ट इंस्टॉल हुई है। रूट एक्सेस करने में आपकी इंस्टॉलिंग भी फास्ट हो जाती है, मैंने ये कई बार देखा है रूट एक्सेस करने के बाद। तो आपको इसे ओपन करना है, याद रहे दोस्तों आपको अपना इंटरनेट ऑफ कर देना है। और ये गेम अब जैसे आपको ये देखिए, यहाँ पे 2000 कॉइन दिख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। और आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने कई बार ओपन हो जाएंगे, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए लकी बेजर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जबकि मैंने इसे मॉडिफाइड भी नहीं किया है। तो आपको यस कर देना है, देख सकते हो ये कितना स्मूथली वर्क कर रहा है, कैसे हैक कर लिया इसे। देख सकते हो दोस्तों मेरे पास अनलिमिटेड हो गया है। तो दोस्तों आप भी इसे वर्क कर सकते हो, जैसे कि मैं गेम प्ले करके आपको दिखा दूँ। अब मैं गेम प्ले आपको करके दिखा रहा हूँ इसका।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक चीज़ और आपको बतानी थी, मैं यार दोस्तों आप सॉरी यार, मैंने आपको पिछली वीडियो में रूट अनइंस्टॉल करना नहीं बताया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जिस ऐप से रूट एक्सेस करेंगे आपको उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर देना है, तो आपकी रूट अनइंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखाई दे रहा हूँ, कहाँ गया वो किंग रूट, मैंने जैसे किंग रूट को ओपन कर लिया, अब मुझे कुछ यूज नहीं करना, तो मैं किंग रूट को इंस्टॉल कर दूंगा, अनइंस्टॉल कर दूंगा सॉरी। अब यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रूट सक्सेसफुली अभी दिखाई दे रहा है, तो आपको बैक आना है। फिर आपको जो ये लेफ्ट साइड थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी वो राइट साइड जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, सेटिंग्स जब ओपन हो जाएंगी तो आपको नीचे आना है और जहाँ पे लिखा होगा अनइंस्टॉल किंग रूट, तो दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे कुछ बोलेगा, तो आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आपसे बैकअप मांगेगा, तो बैकअप अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, मैं तो नहीं करने वाला। तो आप जब इस पर ओके क्लिक कर दोगे तो हो सकता है कि आपका मोबाइल रिबूट हो सकता है किसी किसी मोबाइल में, जैसे सैमसंग के हैं। तो ये देखिए मेरे में तो ये अनइंस्टॉल होने वाली प्रोसेस शुरू हो गई है, तो देखिए रूट हैज़ बीन रिमूव्ड, किंग रूट भी अनइंस्टॉल हो गया, ये देख सकते हो आप, ये देखिए ये आपके सामने एक पेज ओपन करेगा और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। दिखा दिए रहा हूँ मैं आपको काम गया, ये देखिए अनइंस्टॉल हो गया। अब मैं आपको दिखा दूँ मेरे फ़ोन में रूट है कि नहीं, अरे यार देखिए मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, अब मैं आपको बताऊंगा। अब आपको वेरीफाई रूट पर क्लिक करना है, ये देखिए रूट एक्सेस नहीं है। तो दोस्तों यही था रूट एक्सेस और अनइंस्टॉल करने का तरीका, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।